institute two things at a time, getting 21 from power smart meter series with dual core processor. It might be tough, maybe. खुशबू दो ही खुशबू हमें देखते हैं खुशबू ये बात बताने के लिए तुम्हें खुशबू देखें बाजारों का हाल अब फोकस करते हैं कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर के शेयर पर कंपनी ने देखा है कि खरीदारी बढ़ी है 8.5% तक की तेजी हमारे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार सुराना मिस्टर सुराना स्वागत है आपका माना यही जा रहा है कि राकेश झुनवाला ने आपके कंपनी में 10 करोड़ शेयर खरीदे हैं ब्लॉक डील के जरिए इस बात की अगर आप पुष्टि कर पाए और साथ ही यहाँ पर क्या आपको इंडिकेशन मिला है कि वो कुछ और हिस्सेदारी खरीदना चाहेंगे देखिए उन्होंने वो एक वैल्यू इन्वेस्टर है अपने रिसर्च के आधार पर उन्होंने खरीदा होगा हमसे कोई डायरेक्ट डील जैसी कोई बात नहीं है वो अपने फंडामेंटल्स को देख करके उन्होंने खरीदा होगा फंडामेंटल्स पर ही बात करते हैं मिस्टर सुराना आपकी करंट ऑर्डर बुक क्या है क्योंकि आप काफी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं डेल है जेनॉन जैसी कंपनियां हैं तो किस तरह के ऑर्डर्स फिलहाल आपके हाथ में है देखिए ये कंपनी दो सेगमेंट में है कंप्यूटर ई गवर्नेंस का सेगमेंट है उसमें है और कंप्यूटर एजुकेशन के सेगमेंट में है काफी बड़े रूप से और हम लोग करीब 6000 स्कूलों में एसएससी के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा का कार्य कर रहे हैं और इसमें अभी हम लोगों ने रिसेंटली बिहार में भी वेंचर आउट किया है जहां बिहार में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बिहार एक बहुत ही अपकमिंग स्टेट है और वहां पर अर्ली बर्ड एडवांटेज कंपनी को मिल रहा है जी तो किस तरह के ऑर्डर्स हैं फिर हाथ में अगर वो हमें बता सके करीब 150-200 करोड़ के ऑर्डर हैं ये एजुकेशन स्पेस से रिलेटेड है एजुकेशन और ई गवर्नेंस मिलाकर ओके साथ ही जो आपके सप्लायर पार्टनरशिप है एचपी आईबीएम जैसी कंपनियों के साथ वहाँ से किस तरह का रेवेन्यू आता है वहाँ से रेवेन्यू परसेंटेज कम है ज्यादा हमारा एजुकेशन और ई गवर्नेंस सेगमेंट में ही फोकस है ओके और इधर फोकस के चलते आप क्या गाइड कर पाएंगे फाइनेंशियल्स के लिहाज से इस साल के अंत तक रेवेन्यू और प्रॉफिट की स्थिति कैसी रहेगी रेवेन्यू की स्थिति 20-25% ज्यादा रहेगी और ऐसी ही प्रॉफिट की भी स्थिति रहेगी शुक्रिया मिस्टर सुराना हमारे लिए समय निकालने के लिए स्टॉक आपके सामने 8% ऊपर है इनफैक्ट पिछले एक डेढ़ महीने में यहाँ पर काफी इंटरेस्ट आया है प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है मोहित क्या सलाह होगी 27 पर क्या निवेशकों या फिर ट्रेडर्स को भी लेना चाहिए इस शेयर को देखिए ये स्टॉक न्यू हाई में न्यू हाई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है तो इस पर ट्रेडिंग लगाना अच्छा नहीं होगा मैं रेकमेंड करूंगा कि यूएस को जिनको खरीदना है वे ट्रेडिंग सरप्लस लगा के अप ट्रेंड राइड करें इसका ट्रेडिंग सरप्लस लगा सकते हैं हम 2640 पे अगर थोड़ा डीप सरप्लस लगाना है तो शायद 2500 भी लगा सकते हैं लेकिन 2640 का सरप्लस लगा के अप ट्रेंड राइड कीजिए यहाँ तक लेके जा सकता है ले जा सकता है पीक किया सकता है ओके तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़े आप अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाएं इंडिया इंफोलाइन एक और बहुत ही एक्टिव प्ले है आज दिन भर यहाँ पर आप क्या करेंगे देखिए इंडिया इंफोलाइन ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था अगर यूएस से होल्ड कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड होल्ड कर दूंगा शायद 1992 की आ जाए आने वाले दिनों में स्टॉप लॉस भी लगा के लॉन्ग में रेकमेंड कर कंपनी है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपने ऑपरेशन एस्टेब्लिश कर चुकी है उनका ब्रांड वही सूत्र काफी वेलनोन है इनफैक्ट एंड कॉमर्स एज वेल एज सेपरेट वर्टिकल जैसे कि आईआईटी एंट्रेंस और सी एंट्रेंस के लिए वो कोचिंग देती है कंपनी के फाइनेंशियल लास्ट काफी अच्छे से करीबन 130 करोड़ के रेवेन्यू बेस पे कंपनी ने करीबन 1200 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था करंट ईयर की बात करें तो कंपनी ने काफी
government structure maintained here. Already company ने करीबन 12 करोड़ की profit first 6 months में maintained किया है और पूरे साल का अनुमान है कि करीबन 23-24 करोड़ की profit आएगी. फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 5-6 रुपये की अर्निंग और नेक्स्ट ईयर जब रहता है 14 के लिए करीबन 8-9 रुपये की अर्निंग आएगी. कंपनी जैसे कि एक इमरजिंग स्टेट में ऑपरेट करती है और ये लेवल से मैं समझता हूँ 50% अपसाइड के लिए जगह बनती है. करीबन इसे साल के लिए मेरा टारगेट रहेगा 1.75-1.8. दूसरा स्टॉक जैकपॉट है मेरा है NBCC. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस और टिपिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और सिविल कंस्ट्रक्शन में ऑपरेट करती है. कंपनी के फाइनेंशियल काफी बेहतर है. इनफैक्ट लास्ट ईयर में 3,500 करोड़ से करीबन 190 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था. कंपनी की 10% होल्डिंग अप्रैल 2012 में डायवेस्ट की गई थी रिटेल इन्वेस्टर्स को करीबन 106 रुपये में. ये साल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 8,000 करोड़ है और अंदाजा है कि ये साल टॉप लाइन 4,500 करोड़ और करीबन प्रॉफिट 250 करोड़ आएगा. तो करीबन 20% की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है. कंपनी की दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो कंपनी बिल्कुल जीरो डेट है और कंपनी के पास करीबन 1,200 या 1,300 करोड़ की कैश है. तो ये सब पॉइंट देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो 8-9 टाइम्स का जो मल्टीपल अभी चल रहा है शायद और भी रिवेट हो सकता है. तो साल में कंपनी का टारगेट करीबन 225% हो सकता है. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बाजारों का हाल में जायजा लेंगे आगे हम अपने